मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कोमल नाजुक होते हैं, उन्हें संक्रमण होने का डर बड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। ज़रा सी गर्मी हो या फिर सर्दी हो, उन्हें तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा ही एक इन्फेक्शन होता है ज़ुकाम का। बच्चों को ज़ुकाम या फिर नाक बंद होने की परेशानी जल्द हो जाती है। ऐसे में वो रात को आराम से सो नहीं पाते, क्योंकि इससे उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। और अपनी नन्ही सी जान की ये दिक्कत देखकर उनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आज हम कुछ उपायों को आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अपना कर आप अपने कलेजे के टुकड़े को इस परेशानी से निजात दे सकते हैं, और साथ ही साथ बताए जाने वाले उपायों से आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले उपाय की। ये तो आप जानते ही होंगे कि शहद छोटे बच्चों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए दवा बनाने के लिए आपको करना ये है कि 2 नींबू के रस को कढ़ाही में डालकर थोड़ा सा अदरक डाल दें, फिर इसमें इतना पानी डालें कि सारी चीज़ें आसानी से डूब जाएं। इसे ढककर रखें और 10 मिनट के लिए उबलने दें। इस काढ़े को अब छान कर रख लें। इसमें शहद मिलाकर बच्चे को दिन में 2-3 बार चटाएं। बात करेंगे हल्दी की। हल्दी बहुत ही अच्छा कुदरती एंटीसेप्टिक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। बच्चे के दूध में अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके पिलाएं, तो बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन अगर आपका बच्चा माँ का दूध पीता है, तो अच्छा ये होगा कि माँ जब भी दूध पीती है, तो अपने दूध में हल्दी को शामिल ज़रूर करे, ताकि उसकी सेहत और उसके बच्चे की सेहत दोनों दुरुस्त रहे। बात करेंगे अब नमक वाले पानी की। नाक बंद होने की वजह से बच्चे सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने बच्चे को पिलाएं। ऐसा करने से बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है और बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। तो ये थे कुछ आसान से उपाय, जिन्हें अपनाकर आप बच्चों को बंद नाक से छुटकारा दिला सकते हैं। और साथ ही साथ इन उपायों को अपनाने से आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी में भी बढ़ावा कर सकते हैं। इसी खास जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी जानकारियों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।